नमस्कार। मेरे जितने भी मित्र बीएड किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, और कहीं ना कहीं आप बेसिक शिक्षा में मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पे, इस वीडियो में। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सबको वो गुड न्यूज़ मिल चुकी होगी, क्योंकि सुबह से ये ट्वीट आप सबके सामने, ये स्क्रीनशॉट आप सबके सामने वायरल हो रहा है। तो उसकी मैं पुष्टि भी करूँगा ये सत्य है कि नहीं है, और अगर ये ऐसा होता है तो इस तरीके से आपके लिए किस तरीके से गुड न्यूज़ होने वाली है, ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, लाखों की संख्या में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, एक शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 2018 के बाद से किसी भी तरीके की भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है। तो किसी भी तरीके से भर्ती का आयोजन नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक भर्ती का। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो हम सब लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ तो होने वाली है। आप सबके सामने स्क्रीन पे एक ट्वीट आ रहा होगा, और ये ट्वीट जो है ये ऑफिशियल हैंडल यूपी बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट का है, और अगर यूपी बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट ने अगर कोई ट्वीट किया है तो उसकी ऑथेंटिक है या नहीं है, ये सारी बात भी होगी। तो सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है ये बिल्कुल रियल है, और उन्होंने इस ट्वीट में ये बोला है कि हम लोग टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने जा रहे हैं, और टेट 2023 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वो अगस्त महीने में कराएंगे। तो और देखिए, मुझे लगता है कि आप सब लोग ये इस बात से कहीं ना कहीं जानकार सब लोग हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं कि जो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी वो सुपर टेट की वैकेंसी से पहले पहले एक टेट कराया जाएगा। और अगर उसका प्रीलिम्स नाम दे दूं मैं, अगर वो टेट होने जा रहा है, अगर उससे संबंधित कोई खबर है, तो कहीं ना कहीं सुपर टेट की राह आसान हमारी होगी। तो अगर ये अगस्त में एग्ज़ाम हो जाता है तो मुझे लगता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी विद रिज़ल्ट। और अगर आपके सामने अक्टूबर में ये प्रोसेस फाइनल होती है तो अक्टूबर नवंबर में आप सबके सामने सुपर टेट का नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि तब तक जो अपना नया बोर्ड बन रहा है, जो शिक्षा बोर्ड नया बन रहा है, जो आपकी वैकेंसीज़ कराएगा TGT, PGT और आपकी सुपर टेट की, वो बोर्ड भी आपका बन के तैयार हो जाएगा और वो भर्तियों वाली प्रोसेस करेगा। समझ रहे हैं? तो हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार का जो टेट होने जा रहा है, इसमें जितना भी विद्यार्थी टेट बीएड, जिन्होंने बीएड बीटीसी किया है, सब फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नया शिक्षा आयोग आता है तो हो सकता है कि वो 1/4 टेट का 1/4 मार्क्स आपका सुपर टेट की प्रोसेस में जोड़ दिया जाए फाइनल मेरिट बनाते टाइम। तो मुझे लगता है कि सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप सबको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप सबके नंबर बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए। अगर 1/4 ऐड भी होता है तो इतने नंबर पहले से ला के रख दीजिए कि जब वहाँ पे नंबर आपके जोड़े जाएँ तो बिल्कुल भी आपको किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो उसके लिए आपकी ये जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी से आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दें। और देखिए, बाद में पढ़ाई नहीं हो पाती है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना हौच-पौच हो जाता है, तो अभी से छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी करियर पॉइंट क्लासेस आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आने वाला है टेट से रिलेटेड। ऑफलाइन बैच हमारे चल ही रहे हैं, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे आसपास के जुड़े हुए हैं तो वो हमारे ऑफलाइन बैच में आके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं और थोड़ा सा जानकार हैं तो वो अपना सेल्फ स्टडी तो कम से कम स्टार्ट ही कर दें। चलिए, तो ये सूचना आप सबको देनी थी, ये बिल्कुल सही है, यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का ये ट्वीट है, और अगर विभाग कोई ट्वीट करता है तो कहीं ना कहीं सरकार में इस तरीके से हलचल है, तो हमारे टेट के आने की संभावना है। चलिए, तो मैं इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इसी सब कुछ प्रोसेस सही होगी और अगस्त में हमारा टेट का पेपर होगा, इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।